अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पार्क फ्लैग प्रॉपर्टीज से मैं हूं असदुल्ला। मैं आज आपको लेकर आया हूं टावर 51 की लोकेशन के ऊपर, प्रीसेंट 8 के लिबर्टी कमर्शियल पर, प्लॉट नंबर 50 और 51 के ऊपर, बैरिया हाइट्स के बिल्कुल सामने जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इस प्रोजेक्ट की मजीद डिटेल्स के अंदर हम लोग जाएंगे और इसका कंपैरिजन हम करेंगे बैरिया हाइट्स के साथ, क्योंकि बैरिया हाइट्स के बिल्कुल सामने जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री देखें कि जो बैरिया हाइट्स के ऊपर ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं उन पर इस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल है, कौन कौन से बिजनेसेस जो हैं वो वहाँ पर हो रहे हैं। तो पहले हम आपको वो बैरिया हाइट्स की शॉप से एक छोटा सा एक टूर हम आपको करवाते हैं, उसके बाद जो है अब फिर हम इस टावर 51 की लोकेशन के ऊपर आएंगे और उसके बारे में मज़ीद हम आपके साथ बात करेंगे। जी व्यूअर्स, बैरिया हाइट्स की जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं उनका विजिट हमने आपको करवाया है। हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये 2.5 साल का है और जब आज के दिन ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये आज की डेट का ये बिज़नेस है। इसके बाद जब 2.5 साल बाद ये प्रोजेक्ट हमारा डिलीवर होगा तब वहाँ पर जो बिज़नेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर चुके होंगे। बैरिया हाइट्स में इस वक्त 2 टावर्स, टावर ए और टावर एच को जो है वो पोजेशन मिला है, तो वहाँ पर उसकी जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं वो इस वक्त ओपन है, जबकि 2.5 साल के बाद आप देखेंगे पूरा बैरिया हाइट्स के जो टावर्स हैं सबका पोजेशन जो है वो मिल चुका होगा और सबकी ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं वो ऑपरेशनल होंगी। जबकि इसके अलावा ये मेरे पीछे आपको प्रीसेंट 10A के जो विलाज हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके अंदर आपको मरबा स्टोर और प्रीसेंट 10A की जो शॉपिंग गैलरी है वो भी सब फुली तौर पर जो है वो ऑपरेशनल है, तो वो भी आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की मजीद डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं। 2 बेड के अपार्टमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर आपको ऑफर किए गए हैं, जिसके अंदर साइज़ होंगे ग्राउंड प्लस 10 की ये बिल्डिंग है, इसमें 850 स्क्वेयर फीट, 900 स्क्वेयर फीट और 1100 स्क्वेयर फीट जो है वो इसके अंदर आपको ऑफर किया गया है। बैरिया हाइट्स का जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स है, बैरिया हाइट्स के अंदर भी 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर भी 1100 स्क्वेयर फीट के जो अपार्टमेंट्स हैं वो इसके अंदर बैरिया हाइट्स के अंदर आपको दिए गए, जबकि इसके अंदर भी हमारे पास 1100 स्क्वेयर फीट का जो अपार्टमेंट है वो अवेलेबल है, यानी कि सेम साइज़ का अपार्टमेंट आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। उसके जो बेडरूम्स के साइज़ हैं वहाँ पर 12x14 और 12x15 दो साइज़ हैं बैरिया हाइट्स के अंदर, जबकि हमारे पास भी 12x14 जो है वो 1100 स्क्वेयर फीट के अपार्टमेंट के अंदर ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अब प्राइसेस का हम कंपेरिजन करते हैं, इसकी जो प्राइस है वो अगर हम पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 9000 रुपीज़ पर स्क्वेयर फीट है, जबकि बैरिया हाइट्स जो है वो आपको ऑलमोस्ट 11000 रुपीज़ पर स्क्वेयर फीट जो है ये आपको कॉस्ट करता है, जबकि बैरिया हाइट्स जो है यहाँ पर आपको लमसम पेमेंट के ऊपर जो है आपको आपका जो अपार्टमेंट है वो आप बाय करेंगे, जबकि जो यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर 20% डाउन पेमेंट के साथ आप अपना अपार्टमेंट जो है वो टावर 51 के अंदर आप वो बुक करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप आज की डेट में बैरिया टाउन में मूव इन होना चाहते हैं तो आपको बैरिया हाइट्स की तरफ जो है वो जाना चाहिए, जबकि अगर आप इन नियर फ्यूचर आप प्लान करें बैरिया टाउन कराची में मूव इन होने का तो आपको टावर 51 के अंदर जो है आपको अपना अपार्टमेंट बुक करवाना चाहिए। इसका भी जो है ट्रेंच का काम जो है वो चल रहा है, इसके बाद इसकी पाइलिंग का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका ये मतलब है कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है
जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हैं और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कोई रुकावट जो इस तरह से नहीं आएगी। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर भी जो है आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा होगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पार्क फ्लैग प्रॉपर्टीज़। मैं हूँ असदुल्ला, थैंक यू सो मच।